तो दोस्तों तैयार हो जाइए यहाँ पर एक और आईपीओ के लिए जल्दी से। आपको इस वीडियो में बताने वाला एक और आईपीओ यहाँ पर आने वाला, एक के बाद एक आईपीओ आने फिर से स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर कैंपस एक्टिव वेयर का आईपीओ, उसके बारे में पूरा सेपरेट वीडियो बनाया था वहीं पर। आज एक रेमबो हॉस्पिटल का आईपीओ का और अनाउंसमेंट हो गया है, उसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा, कंपनी का कामकाज भी बताऊंगा, कंपनी कामकाज क्या करती है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंट लिस्टिंग गेन यहाँ से मिलने वाला है, पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना दोस्तों। कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपको देखना है, पर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे रेमबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का 17 अप्रैल को आईपीओ खुलेगा, 2000 करोड़ रुपये का आईपीओ, तो काफ़ी अच्छा है। निवेश से पहले इशू से जुड़ी हर डिटेल पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद में आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले हमें आप देखेंगे इंपोर्टेड डेट्स के ऊपर, तो ये 27 अप्रैल को ओपन हो रहा है, 29 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा। और यहीं पर इसका आईपीओ का साइज़ देखेंगे 2000 करोड़ रुपए का है, फ्रेश इशू है 280 करोड़ का, ऑफर ऑफ सेल आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, और फेस वैल्यू आप देखेंगे 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर प्राइस बैंड अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि ये प्राइस बैंड यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई किए करिए, तो उससे आपको क्या होगा, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आईपीओ मिलने के, दोनों ही जगह पर लिस्टिंग होगा एक्सचेंज में। और रिटेल कोटा जो है 35% आपको यहाँ पर रखा गया है, वहीं क्यूआईबी कोटा देखेंगे 50% है, एनआई कोटा देखेंगे 15%। तो रिटेलर्स के लिए यहाँ पर इसका कोटा जो बहुत ही अच्छा रखा गया। अब यहाँ पर बात आ जाती प्राइस कितना रखने वाले हैं, प्राइस बैंड, तो इस पर सभी की नज़र रहेगी। तो जो भी प्राइस बैंड यहाँ पर रखा जाएगा उसके ऊपर मैं अपना वीडियो जैसे ही यहाँ पर अपडेट होगा तो मैं अपना वीडियो आपके लिए बना करके ले आऊँगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक लोट के अंदर कितने शेयर होंगे वो भी अभी यहाँ डिसाइड नहीं हुआ है, और मैक्सिमम अमाउंट आपको कितना देना वो भी अमाउंट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते तो आपको पता ही है कम से कम 15,000 रुपये आपका मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पर देना होता है, और 13 लोट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेड डेट्स पर नज़र डालेंगे, तो इसके कुछ और इम्पोर्टेड डेट्स पर अगर नज़र डालें तो प्राइस बैंड अनाउंसमेंट या 22 अप्रैल को, यानी 22 अप्रैल को हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट 26 अप्रैल को होगा, आम रिटेलर्स के लिए 27 तारीख को खुलेगा, 29 को बंद हो जाएगा। वहीं अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो इसका जो अलॉटमेंट आपको कब देखना है, 5 तारीख को, कहाँ देखना है वो मैं बता दूंगा आपको। उसके साथ ही अगर आपको नहीं मिलता है किसी कारणवश तो आपका रिफंड जो है वो आपको 6 तारीख को मिल जाएगा, और 9 तारीख को ये क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, और इसकी लिस्टिंग डेट फाइनली 10 तारीख को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब यहाँ पर इसका लेटेस्ट जीएमपी नज़र डालते हैं, तो अभी यहाँ पर इसकी प्राइस अनाउंस नहीं हुई है, फिर भी अभी ग्रे मार्केट में इसका अच्छा खासा डिमांड देखने के लिए मिल रहा है, 50 रुपये चल रहा है इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम। तो अभी हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कितना परसेंट लिस्टिंग गेन आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है आईपीओ की अभी नहीं दी गई। जब इसकी आईपीओ की प्राइस दे दी जाएगी तो उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हमको देखना होगा कंपनी का कामकाज। तो हम कंपनी का कामकाज यहाँ पर देखेंगे, तो जो रेमबो देख लीजिए, मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चैन है ये, रेमबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के नाम से इसकी बहुत ही बड़ी चेन चलती है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन है, और 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगले हफ्ते गुरुवार 27 तारीख को खुलेगा। यह आईपीओ 3 दिनों तक खुला रहेगा, निवेशकों को 29 अप्रैल तक इसमें सब्सक्राइब कर सकेंगे। बाजार नियामक सेबी के पास दाखिल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक एंकर निवेशकों को लिए यह इशू 1 दिन पहले यानी 26 अप्रैल को खुलेगा। इस इशू के तहत मौजूदा शेयर धारक भी अपने शेयरों की बिक्री कर सकेंगे। आईपीओ की सफलता के बाद शेयरों की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह पर की जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं जो पैसा जुटाया जाएगा वो किस काम में लिया जाएगा, तो यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख लीजिए, इशू के तहत 3 लाख शेयरों के एलिजिबल कर्मियों के लिए आरक्षित किया गया है। इशू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया और IIFL सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर से नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल नॉन कम्बर्टिकल डिबेंचर्स के समय से पहले रिडेप्शंस एंड अस्पतालों का सेटअप करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और अन्य अस्पतालों के लिए मेडिकल औजार खरीदने के और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
तो जो भी फंड जुटाएंगे ये लोग, इसका काम ही मेडिकल सेक्टर में ही यूज करने वाले हैं। वहीं कंपनी के बारे में डिटेल्स पर अगर नज़र डाली जाए तो ब्रिटेन की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन CDC ग्रुप PLC के रेनबो ने भारत में सबसे पहले हैदराबाद में 1999 में 50 विस्तारों का पीडियाट्रिक स्पेशली हॉस्पिटल शुरू किया था। अभी की बात करें तो 20 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक रेनबो के देश में 6 शहरों में 14 अस्पताल और 3 क्लिनिक है। यह 1500 बेड ऑपरेट करती है। बच्चों से जुड़ी सभी स्वास्थ्य समस्याओं, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी दिक्कतों के लिए फर्टिलिटी केयर जैसी सर्विसेज प्रदान करती है। तो इसका जो काम है वो बच्चों से और महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा है, तो इसकी डिमांड बहुत है और इसने अपना विस्तार किया है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 2019 से काफ़ी सारा विस्तार किया। वहीं पर इसके थोड़े से फाइनेंशियल पर भी हम नज़र डालेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ पड़े कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो 2019 से लेकर 2021 तक आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। इसी के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े, इसके साथ साथ पैट पर नज़र डालेंगे तो वो भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देने वाले। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा IPO है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डिपेंड करता है कि इसका प्राइस बैंड कितना रखा जाए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जैसा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, पैट बढ़ रहे हैं, तो उसके बेसिस पर लॉन्ग टर्म में भी ये IPO आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके जा सकता है। या वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, बाकी आपको अपने से एनालिसिस जरूर से करना चाहिए और IPO खुलेगा और इसका कितना GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना होने वाला है, टोटल लगातार हम न्यूज़ पर बने हुए हैं। जैसे इसकी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है हम अपना वीडियो आपके लिए बना करके ले आएंगे फ्रेंड्स।